हेलो ऑल एलटी ग्रेड टीचर्स, वेलकम टू जीके नाइस। इस वीडियो में भी एलटी ग्रेड से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ है और ये धांधली को लेकर है। परीक्षार्थियों ने धांधली को लेकर जो उसमें जांच के लिए मांग की है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में भी एलटी ग्रेड्स में जो धांधली हुई है उससे संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर में सब्सक्राइब होगा, उस पर क्लिक करना और उसके साइड में एक घंटी आएगी यानी बेल आइकन, उसको ज़रूर क्लिक करना वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि हम भर्ती से संबंधित आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है एलटी ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी 29 जुलाई को, उसमें धांधली को लेकर जाँच की मांग की गई है परीक्षार्थियों द्वारा, तो इसी से संबंधित यह लेटेस्ट न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए थोड़ी सी ये बुरी खबर है, क्योंकि आपको अभी यदि इस भर्ती पर जाँच बैठती है तो आपको अपने रिजल्ट के लिए काफ़ी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे पहले हमने एक लेटेस्ट न्यूज़ और पढ़ी थी जिसमें था कि परीक्षार्थियों ने अपनी कॉपियों में जो कॉलम होती है उसको गलत भरा है, तो उससे संबंधित था। उसके बाद में स्टाफ नर्स का रिजल्ट आएगा और इसके बाद आपका रिजल्ट की तैयारी होगी। लेकिन उससे पहले ये बहुत ही बुरी खबर है कि धांधली में जाँच हो, यदि इस परीक्षा में धांधली होती है, धांधली हुई है और इसमें जांच बैठती है, तो आपको अपने रिजल्ट के लिए काफ़ी वेट करना पड़ेगा। तो आपके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 29 जुलाई को हुई परीक्षा में धांधली के खिलाफ आंदोलन जारी है। यानी परीक्षार्थियों ने, जिनको लगता है कि 29 जुलाई को जो एलटी ग्रेड परीक्षा हुई थी उसमें धांधली हुई है, तो इन्होंने आंदोलन जारी किया हुआ है, आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। अभ्यर्थियों के संगठन युवा मंच ने कहा है कि 5 साल के दौरान हुई भर्तियों की सीबीआई जांच तो हो रही है, लेकिन भर्तियों में गड़बड़ी करने वाले प्रमुख सूत्रधार पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। तो अभ्यर्थियों के जो संगठन है युवा मंच, इनका कहना है कि 5 साल से जो UPSC भर्ती करा रहा है उसमें CBI जाँच तो हो रही है, लेकिन भर्तियों में जो गड़बड़ी कराने वाला प्रमुख है, सूत्रधार है, उस पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, उनको रोका नहीं जा रहा है, धांधली होती जा रही है परीक्षाओं में। आगे पढ़ते हैं। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, संयोजक राजेश सचान ने कहा है कि UPSC की ओर से कराई गई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में धांधली हुई है। यानी जो युवा मंच है जिन्होंने आंदोलन किया हुआ है, तो उस युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जो संयोजक हैं, वो राजेश सचान ने कहा है कि अध्यक्ष अनिल सिंह है, संयोजक है राजेश सचान, और उनका कहना है कि UPSC की ओर से जो कराई गई भर्ती है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में धांधली हुई है। तो इनका कहना है कि धांधली हुई है और भर्तियों की CBI जांच में पूछताछ की बात जो जोर शोर से कही जा रही है, जो भर्ती में जो CBI जांच में जो पूछताछ की बात है वह जोर शोर से कही जा रही है, जबकि गड़बड़ी करने के प्रमुख सूत्रधार बचे हुए हैं, यानी जिन्होंने गड़बड़ी की है, धांधली की है, वे अभी बचे हुए हैं, तो उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। तो इस वीडियो में यही है, जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में धांधली हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, जो धांधली करा रहे हैं वे अभी बचे हुए हैं, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। तो इसी से संबंधित ये एलटी ग्रेड से न्यूज़ थी। तो फ्रेंड्स, तो आगे की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।